लता मंगेशकर का म्यूजिक इंडस्ट्री में योगदान अतुलनीय था, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 78 साल के करियर में लता मंगेशकर ने 25,000 गाने गाए। लता को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया। वे 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रही थी। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया था। लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में अपना काम करना शुरू किया था। आपको बता दें, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, तब लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारी संभाली थी। अपने भाई बहनों के बेहतर भविष्य के लिए कभी शादी नहीं की थी। लता मंगेशकर चाहे दुनिया छोड़कर चली गई है, लेकिन अपने सदाबहार गानों की विरासत फैंस के लिए छोड़ गई है। लता दीदी के इन गानों ने उन्हें इस दुनिया में अमर कर दिया है। लता मंगेशकर लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी। 8 जनवरी को उन्होंने कोविड-19 संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लता को कोविड-19 के साथ निमोनिया भी हो गया था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था। तब से वह लगातार संघर्ष कर रही थी। इलाज के दौरान बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था। फिर जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर वेंटिलेटर सपोर्ट पर लाया गया था। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर के निधन की खबर सुन फैंस और सेलिब्रिटीज शॉक में हैं। सभी सिंगर की आत्मा को शांति मिलने की दुआ कर रहे हैं। फैंस की आंखें नम हैं और आज हर भारतीय की आंखों में आंसू हैं। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज उनके चाहने वालों के कानों में गूंज रही है। अब ये आवाज हमेशा के लिए मौन हो गयी।